चलिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ वेब पोर्टल पर विज्ञापन की नीति 2020 ये आज हम लोग यहाँ इसकी घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब विज्ञापन इसके रुके हुए थे वेबसाइट वाले। इसमें सिंपल ये है कि 2007 में भी ये नीति बनी थी, उसके बाद 2014 में इस पर अमेंडमेंट हुआ था, अब ये 2020 में इसको अमेंड करके इसको फाइनल हमने ओपन कर दिया है। और इस नीति के तहत ऑनलाइन 1 तारीख से इसमें लोगों की ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोफार्मा रहेगा, उस प्रोफार्मा पे वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरा देख के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो रजिस्टर्ड होंगे उसकी एक खासियत यह है कि वेबसाइट पर मासिक यूनिक यूज़र 5,000 से कम नहीं होना चाहिए, उसके मासिक जो है 1 महीने के अंदर 5,000 यूनिक यूज़र जो होगा उसी को वही इसके लिए एंटाइटल्ड होगा। उसका मतलब यह है कि गूगल एनालिटिक की रिपोर्ट में वर्णित 1 माह की यूज़र संख्या उसमें होगी। और इसके जो सेलियंट फीचर हैं वो इसमें वेबसाइट का ये है कि न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ वेब पोर्टल के नवीन विज्ञापन नियमों से वास्तविक एवं सक्रिय पत्रकारों तथा समाचार आधारित वेबसाइट को ही इसे लाभ मिलेगा। दूसरा, इसकी नई श्रेणियों में यूज़र की संख्या के आधार पर अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। पहले अधिकतम राशि 50,000 रखी थी, जो अब बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है। शासन की नीतियों के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करने वाली वेबसाइट को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त विज्ञापन देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। यह प्रोत्साहन विज्ञापन एक वेबसाइट को साल में अधिकतम 3 बार तक दिया जा सकेगा, जिसकी विज्ञापन राशि वेबसाइट की यूनिक यूज़र की श्रेणी के अनुसार होगी। आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, जैसा मैंने कहा, और नवीन नियमों के अनुसार वेबसाइट के सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। सब सॉफ्टवेयर इसका बन गया है, उसके माध्यम से होगी। और जो इसकी श्रेणी है, इसकी विज्ञापन देने के लिए न्यूनतम यूनिक यूज़र के आधार पर वेबसाइट के 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। एक श्रेणी नीचे शुरू करें, ड है ये, 5,000 से 20,000 यूनिक यूज़र प्रतिमाह, इसके लिए 15,000 रुपये 30 दिन के अंदर। घ श्रेणी में आता है, 20,000 से 50,000 यूनिक यूज़र प्रतिमाह, इसको 25,000 30 दिन में। फिर ग 50,000 से 1,00,000 यूनिक यूज़र, जैसे जैसे यूनिक यूज़र बढ़ रहे हैं ये उस हिसाब से 40,000 30 दिन में। ख में आता है 1,00,000 से 3,00,000 तक यूनिक यूज़र प्रतिमाह, 60,000 30 दिन के लिए। और क श्रेणी जो है 3,00,000 से अधिक यूनिक यूज़र प्रतिमाह, ये अधिकतम विज्ञापन इसका 1,00,000 30 दिन में होगा। तो ये बहुत ही, और वेबसाइट प्रतिदिन 7 बजे सुबह से रात के 10 बजे तक 7 AM to 10 PM के बीच हर 5 घंटे में रिफ्रेश अपडेशन किया जाना इसका आवश्यक होगा। समय समय पर विभाग द्वारा वेबसाइट पर अचानक बढ़े ट्रैफिक के स्रोतों का सत्यापन किया जाएगा। वेबसाइट जिस श्रेणी में पंजीकृत होगी उसी श्रेणी के लिए निर्धारित यूनिक उपयोगकर्ता की संख्या को बनाए रखने हेतु, अन्यथा जिस श्रेणी में यूज़र की संख्या अनुसार पात्रता आएगी उस श्रेणी के आधार पर विज्ञापन की पात्रता होगी। ये बाकी सब चीज़ें हैं, ये इस पर आ जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा आयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग के पास किसी भी वेबसाइट पर विज्ञापन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने अस्थायी रूप से बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा। और आयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट पर किसी भी कंटेंट सामग्री असत्य एवं भ्रामक जाने की समीक्षा करने के पूर्ण अधिकार होंगे।
इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाइन आवेदन जनसंपर्क संचालन में करना होगा। राज्य शासन द्वारा डिजिटल सोशल प्रचार माध्यमों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर और राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट न्यूज वेब पोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन के कुल मिला के सब नए नियम बने। इन्हें विज्ञापन आवश्यकता उपयोगिता अवसर और बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के खास है इसमें मूल निवासियों के द्वारा संचालित वेबसाइट को प्राथमिकता दी जाएगी। इन नियमों के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई इनहेरेंट अधिकार नहीं होगा। विज्ञापन के लिए निर्धारित आवेदन जैसा मैंने बताया कि 1 मार्च से ये आवेदन लेना इसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर कुल कंटेंट का 50% हिस्सा समाचार होना चाहिए, यह अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जिसका 50% हिस्सा मध्यप्रदेश से संबंधित होना चाहिए। 50% समाचार होना चाहिए, 50% उसी में मध्यप्रदेश का होना चाहिए। वेबसाइट के पास SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मुख्य पेज पर संपादक का नाम और संपादक और संपर्क सूत्र होना चाहिए। इसके अलावा हमसे संपर्क करें गोपनीयता नीति और कुकीज नीति भी वेबसाइट पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। वेबसाइट को जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट का RSS फीड, जिसका अंग्रेजी में है रियल सिंपल सिंडिकेशन फीड, स्थापित करना अनिवार्य है। वेबसाइट पर राष्ट्र विरोधी असामाजिक और अश्लील सामग्री नहीं होना चाहिए। वेबसाइट पर जिस श्रेणी में पंजीकृत होगी उसी श्रेणी के लिए निर्धारित यूनिक उपयोगकर्ताओं की संख्या को बनाए रखना होगा। अगर संख्या कम हो गई तो उसी हिसाब से उसका जो एडवर्टीजमेंट की राशि है वो कम हो जाएगा, बढ़ गई तो बढ़ जाएगा। वेबसाइट पर MP Info.org द्वारा जारी समस्त समाचार सतत रूप से अपलोड किए जाना आवश्यक है। इसके अलावा एक मिनट प्रोत्साहन यही है विज्ञापन ये होगा। वेबसाइट सत्यापन हेतु आयुक्त संचालक के स्तर पर समिति गठित की जाएगी। ये समिति वेबसाइटों के विज्ञापन हेतु सत्यापन के उपरांत राज्य शासन आयुक्त जनसंपर्क विभाग के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी। आवेदक को एक शपथ पत्र घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा। वेबसाइट को ऑनलाइन विज्ञापन देने के लिए मैंने जैसा बताया कि सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेबसाइट के पंजीयन से लेकर ऑनलाइन बिल जनरेशन तक सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। विज्ञापनों को वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। विज्ञापन किसी भी मीडिया फॉर्मेट में किया जाएगा जो कि रेस्पॉन्सिव भी होगा। वेबसाइट मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रतिदिन के आधार पर जारी किए गए विज्ञापनों की समीक्षा की जाएगी। मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर जनसंपर्क आयुक्त संचालक और संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। समाचार पत्रों पत्रिकाओं का वेब आधारित प्रकाशन वेबसाइट पर विज्ञापन के लिए पात्र नहीं होगा। ई पेपर्स इसके लिए पात्र नहीं होंगे। समय समय पर एनालिटिकल टूल और सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा कि किस तरह से इसको एनालिसिस होना है। ये सॉफ्टवेयर एनालिटिकल टूल ये चेंज हो सकता है। शासन के किसी भी विभाग या शासन के स्वामित्व के निगम मंडल कंपनी सोसाइटी कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य वेबसाइट पर विज्ञापन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। वेबसाइट पर विज्ञापन परिवार के एक ही सदस्य को ही दिया जा सकता है। आवेदक को ऐसा शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
आयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग के पास किसी भी वेबसाइट पर विज्ञापन को ये तो बता ही दिया है, सस्ता हो गया होगा। तो कुल मिला के ये लॉन्ग अवेटेड जो थी न्यूज वेबसाइट, अब तो पुरानी का सवाल ही नहीं, यूजर्स जो आएगा और अप्लाई करेंगे उससे सर्टिफाई होगा। एक साल के अंदर, एक साल एक साल मंत्री जी पिछले विधानसभा सत्र में जो वेबसाइटें संदेह के दायरे में थी और जब आप लोग प्रतिपक्ष में थे तो आप लोगों ने जो विधानसभा हाउस में जो हल्ला मचाया था, अब उन वेबसाइटों के लिए क्या ये नियम है कि उनको फिर से जीवंत कर दिया या उनकी पूरी जांच हो गई है? वो एक अलग विषय है, अभी तो विषय ये है कि वेबसाइट के जो बंद थे वो वेबसाइट के विज्ञापन कैसे जारी होंगे, उसकी क्या मेथड होगी, ये नियम बन गए जो उस पर मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन सब, इसके हिसाब से जो अप्लाई करेगा और जो फिट बैठेगा वो अंदर आ जाएगा, बाकी जो जांच और वो सब चल ही रहे वो चलते रहेंगे। देखिए ये सब हुआ जब तो सब बंद हुआ, ये सब बंद इसीलिए हुई कि फर्जीवाड़ा था, फर्जीवाड़ा ना हो उसके लिए नए नियम कानून ये आ गए 2020। आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी एक सवाल विकल्प, आदरणीय शर्मा जी एक सवाल विकल्प, आप यूजर काउंटिंग करेंगे वो किस एजेंसी से लेंगे, एलाइजर से लेंगे, गूगल से लेंगे या कोई और एजेंसी आपने किस इन हाउस करेंगे। आप अपना लगाइए, हम अपना वेरिफिकेशन करा। सर इसमें एक चीज और कंफ्यूजन का छोटा सा, कि गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट जो आपने मांगी है, सपोज दैट मार्च से हम लोगों के यूजर साइज भी बढ़ गए, पुराने कम थे, तो ये किसको आप मान्य करेंगे? आप अपने आप को जिस श्रेणी में मानते हैं आप अप्लाई करिए, हम अपना वेरीफाई करके आपको उस श्रेणी में डालेंगे। मतलब मार्च के यूजर्स इसमें पॉइंटेड है, वो तो हर मार्च करेंगे सर। अरे हर मार्च करेंगे ना, हम मैंने रिपोर्ट की मांगी थी ना उसके आधार पर बात कर रहा हूं, पिछली रिपोर्ट जो मांग रहे थे और हमको उसको एनालिसिस करेंगे, तो पिछली जो हमारी कम है या इस महीने बढ़ गई, तो आप कौन सा वाला देख के आपको फाइनलाइज करेंगे? हम आप अप्लाई करिए, हमने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, 1 जनवरी से ओपन करेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, आप जिस श्रेणी में आप मांगते हैं आप अप्लाई करिए, हम अपना एनालिटिकल टूल से हम वेरीफाई करेंगे। एक मार्च से करेंगे। मतलब आप अपने आप को तो प्रस्तुत करेंगे ना कि आपकी श्रेणी में आपको ला। भाई ये तो जो उसको कर रहा है उसको तो मालूम है ना कि 5,000 रुपए है कि 10,000 रुपए की, और बाकी जैसा जैसा ये आया इस नीति में सॉफ्टवेयर से जो उसका वो आ गया है वो सब सिस्टमेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आज वेबसाइट पे बात करो इसके बारे में। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।